शुक्रवार को मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। आज भी कई इलाकों में बारिश होने की संभावना है। 24 घंटे में पूर्व मध्य प्रदेश में बारिश ओले गिरने की संभावना है। 18 और 19 मार्च को फिर से बारिश हो सकती है। भोपाल, होशंगाबाद, रीवा और सागर, जबलपुर में बारिश की संभावना है। राजधानी भोपाल में शुक्रवार सुबह से ही तेज आंधी चलने के साथ ही कई इलाकों में तूफान भी आया। वहीं शाम होते ही बारिश का दौर भी शुरू हो गया। ओलावृष्टि का सबसे ज्यादा असर गेहूं और चने की फसल पर पड़ा। खेतों में फसल कटने को तैयार है, लेकिन काफी ज्यादा प्रभावित हुई है ओलावृष्टि के चलते। मौसम का मिजाज बदला है। बीते दिन कई जिलों में बारिश हुई, उसी के साथ ओलावृष्टि भी हुई। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और आज भी कई इलाकों में बारिश होने की संभावना है। 24 घंटे में पूर्व मध्य प्रदेश में बारिश और ओले गिरने की संभावना जताई जा रही है। ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों से। ये 6 तस्वीरें हैं। बेगमगंज की पहली तस्वीर है जहां बारिश देखी गई है। बैरसिया में ओलावृष्टि हुई है, वहीं इटारसी में भी बारिश हुई है और फसलों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उस क्षेत्र में भी हुआ है। करेरा की बात करें तो करेरा में भी बारिश का सामना आम लोगों को करना पड़ा है। नसरुल्लागंज में भी तेज बारिश हुई, वहीं राजगढ़ में ओलावृष्टि हुई है। आज थोड़ा इम्प्रूवमेंट होने की संभावना है। उतनी बारिश नहीं होगी आज। कल पूर्वी मध्य प्रदेश में थोड़ा बहुत चांस रहेगा। शहडोल डिवीजन हो गया, रीवा डिवीजन, जबलपुर डिवीजन, यहाँ पे चांसेस थोड़ा ज़्यादा है आज। और पश्चिम मध्य प्रदेश में थोड़ा इम्प्रूवमेंट है। नया सिस्टम 18 तारीख के आसपास आने की संभावना है हमारे। उसका प्रभाव कितना होगा थोड़ा एक दो दिन बाद ही समझ में आएगा। हो सकता है बहुत ज़्यादा असर ना हो उसका। शमशाबाद में तेज बारिश, आंधी और ओलों से किसानों के अरमानों को आंसुओं में बदल दिया। अन्नदाताओं की पकी पकाई फसल बर्बाद हो गई। करीब एक दर्जन गांवों में एसडीएम, तहसीलदार ने खेतों में जाकर खराब फसलों का जायजा लिया। बंसल न्यूज संवाददाता चैन सिंह मीणा ने भी अधिकारियों और किसानों से बात की। शुक्रवार देर शाम तेज आंधी ओलों से शमशाबाद क्षेत्र के तकरीबन 12 एक दर्जन से ज्यादा गाँव में फसलों को, पकी फसलों को नुकसान हुआ है। इसी तहत आज शमशाबाद के एसडीएम और तहसीलदार महोदय यहाँ पर खेतों में जायजा लेने आए हैं। हम बात करेंगे आखिरकार फसलों में क्या कुछ नुकसान हुआ है और कितने गांव में ये नुकसान हुआ है। आज हमने शमशाबाद के करीब 13 गांव में नुकसान बताया है जो कल ओलावृष्टि के कारण हुआ था। इसमें हमने जो देखा है कि इसमें जो फसल पकी हुई है उस पर पानी लगा है तो उसकी साइडिंग वगैरह पे भी फर्क पड़ेगा इसमें। और बाकी जो दूसरा हमारे कृषि वैज्ञानिक भी देख लेंगे कि क्या हो सकता है। सर, आंधी से भी बहुत सारी फसलों आड़ी हुई हैं और कई घरों के छप्पर भी उड़ गए हैं, उनकी जांच आप कैसे करवाएंगे? जो फसल अभी जो हरी थी वो आड़ी पड़ी हुई है तो वो 2-4-8 दिन में क्लियर होगा उसका। बाकी जो सूखी फसल है वो तो सही है अभी। शासन के क्या कुछ निर्देश आपको मिले हैं कि कैसे जांच करना है, कैसे इनका आकलन करना है, उसके बारे में कुछ जानकारी? अभी तो हम नेत्रांकन के आधार पर अपनी रिपोर्ट बना के देंगे इन गांव में, फिर आगे जैसा निर्देश मिलेंगे वैसे। अभी तक कितने गांव का दौरा कर चुके हैं हम? अभी हम करीब 7-8 गांव का दौरा कर चुके हैं। और कितने गांव में और जाने वाले हैं? अभी जो बचे हुए गांव में भी जाएंगे सभी। कुछ किसान हमारे साथ हैं, बंसल न्यूज़ की टीम आज सुबह जायजा लेने पहुँची है, उनसे बात करते हैं आखिरकार कितनी तेज हवा चली और फसलों को कितना नुकसान हुआ है। क्या नाम है आपका? नाम प्रेम नारायण। क्या हुआ है? आंधी तूफान ओले जे गिरे और बिजली इतनी चमकी कि हमें तो ऐसा लगो कि अब का मालूम थोड़ी बहुत देर में जाए हैं का करें। अच्छा, कितना नुकसान हुआ है फसलों को? आधे आध से ज़्यादा ही समझो, आधो तो जरूर ही है। वो आप तो मौके की इंक्वायरी जो कर रहे हैं वो बाबा थे भियाखेड़ी के किसान जो बता रहे हैं कि फसलों को तकरीबन 50% नुकसान हुआ है। अधिकारी भी यहाँ पर जायजा लेने पहुँचे हैं। शमशाबाद से बंसल।